बीती शाम रीवा शहर में आंधी चली। उस आंधी में एक व्यक्ति उसकी जद में आ गया, उसकी मौत हो गई। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों रीवा के एसएफ मैदान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद जो भी टेंट वहां पर लगाए गए थे उसको खोलने का काम इन दिनों चल रहा है। इसी दौरान बीती शाम रीवा शहर में आंधी चली। एक व्यक्ति जिसका नाम फकीर आलम बताया गया है अपने टेंट के अंदर था। आंधी की रफ्तार जैसे ही बढ़ी उसने टेंट का पाइप पकड़ लिया, टेंट एकाएक उड़ जाता है, उसकी जद में फकीर आलम भी आ जाता है। काफी ऊपर उड़ गिरने के बाद वो व्यक्ति गिरता है जिसकी वजह से उसको गंभीर चोट आती है। इलाज के लिए उसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया जाता जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो जाती है। हम आपको बताते हैं फकीर आलम कगड़िया बिहार सबलपुर का रहने वाला था। फिलहाल कंपनी ने 3 लाख रुपए की फौरी मदद की। देखिए हमारी ये खास। बीती शाम रीवा शहर में जोरदार आंधी आई जिसकी जद में फकीर आलम पिता नवाजी कगड़िया बिहार थाना सबलपुर का रहने वाला थाना मोरका ही लगता है जद में आ गया और टेंट के साथ उड़ गया। इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में उसकी मौत। हम आपको बता दें रीवा के एसएफ मैदान में इन दिनों प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो टेंट लगाया गया था उसको निकालने का काम चल रहा है। काफ़ी तादाद पर यहां पर लेबर काम कर रही थी। इसी दौरान कल शाम एक जोरदार आंधी आई, बाकी सारे लोग टेंट छोड़कर सुरक्षित जगह में चले गए। फकीर आलम टेंट में ही रह गया, उसने उस पाइप को पकड़ लिया जो टेंट में बंधा हुआ था, पाइप उड़ गया जिसकी वजह से फकीर आलम भी पाइप के साथ उड़ गया। पाइप नीचे गिरता है, फकीर आलम के सर में गंभीर चोट आती है। जब तक वहाँ कोई कुछ समझ पाते उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती। तत्काल ही फकीर आलम को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया जाता जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती। हमने संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम के पास फकीर आलम के भतीजे से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। पीएम का शो था तो हम लोग 12 तारीख को, जो 11 तारीख को घर से चले, 12 तारीख को यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने काम किया। पीएम का सारा शो हो गया सब कुछ। 24 तारीख को पीएम साहब आए थे, वो चले भी गए और 25 तारीख से हम लोग जो है खोलना उसको शुरू कर दिए वापिस। जब खोलना शुरू किए तो खोलने के दौरान जो है अभी 28 तारीख में जो है सर 4 से 5 के बीच में, 4:30-5 के बीच में जो है तूफान आया था तो सभी आदमी हमारे जो है वो सब भाग भाग के अपना अपना जगह जहाँ पे सुरक्षित जगह था वहाँ पे जाने लगे। तो ये जो थे कि ये जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, सो रहे थे, वहीं पे गए, ये वहाँ पे जाके ये बैठे हुए थे। तभी जो है हमारा वो रहने वाला अस्थाई जगह जो था वो हिलने लगा तो इन्होंने जो है उसको पकड़ लिया था फकीर आलम। सोचा कि अगर हम पकड़ के रखेंगे तो ये उड़ेगा नहीं, इसके लिए जो है उसके बाद जो है फिर वो तीसरी लहर आई हवा की इतनी तेज कि वो जो है लेके उनको उड़ गया और ऊपर तकरीबन 20 फुट हाइट पे ये गए, वहाँ से गिरे और उसका डेथ हो गया। कंपनी ने किसी तरीके की मदद की? कंपनी ने अभी तक जो है सर हम लोगों को कोई मदद नहीं किया है, लेकिन वो कहते हैं कि 3 लाख रुपए मैं भेज दिया हूँ लेकिन वो ठेकेदार के अकाउंट में। लेकिन ठेकेदार का कहना हुआ, अभी जब हम ठेकेदार से बात किए तो वो बोल रहे थे कि हमने रुपए दिया है तुम्हें, जो भी देंगे वो हम दे रहे हैं, कंपनी ने हमको कुछ नहीं दिया। लेकिन कंपनी वाले बोल रहे हैं जब हम लोग हड़ताल वहाँ पे, नाम बताइए, RMB इंटरप्राइज, तो उसका जो था सर जब हम लोग वहाँ पे अभी हड़ताल किए हैं SF ग्राउंड में काम के लिए, पहले हम लोगों का जो भी है वो हम लोगों को बताइए क्या दीजिएगा आप, क्या करना है आपको, वो सब इसके लिए हम हड़ताल किए। तो अभी ये लोग हम पे हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि तुम लोग काम करो, जो भी होगा वो हम कर देंगे। आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम है, मैं उसका भतीजा हूँ। कैसे उड़ा था टेंट आप यहाँ पर से क्या देखा? ये आंधी आया सर और उसके बाद उसके साथ वो पकड़ रखा था, वो बस उड़ गया उसके साथ 15-20 फीट ऊपर। फिर उसके बाद वो गिर गया तो इसका ये फट गया, टूट गया, ये हाथ टूट गया सर। उसके बाद आगे जाते जाते यहीं पे डेथ हो गया थोड़ा देर के बाद, आधा घंटा पौने घंटे के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर सर। तो सुना आपने, फकीर आलम का भतीजा इस एक्सीडेंट को लेकर क्या कुछ बता रहा है। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं एसएफ मैदान और दिखाते हैं वो टेंट, वो जहां जिस जगह पर ये हादसा हुआ और कुछ तस्वीरों से बात करते हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेट में टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं मौजूद हूँ रीवा के एसएफ मैदान में। यहाँ पर अभी पिछले 24 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सभा हुई थी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, इसी टेंट में यहाँ के लेबर जो है वो रुके हुए थे। मोदी के कार्यक्रम के बाद टेंट को उखाड़ने का काम चल रहा था। बीती शाम लगभग 5 बजे एक आंधी आती है। मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाऊंगा। ये आप टेंट देख रहे होंगे, ये पाइप जो पड़ा हुआ दिख रहा है, इसी पाइप को, क्या नाम था सर्वर? सर्वर जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, बिहार के रहने वाले, फकरुद्दीन नाम था उनका, माफ करिएगा, फकरुद्दीन यहाँ काम कर रहे थे और उन्होंने एक पाइप को पकड़ा, आंधी में वो पाइप उड़ गया, जिसकी वजह से संजय गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा चश्मदीद से जानने समझने की क्या हुआ था। सबसे पहले आपने देखा तो क्या किया? सर ये उड़ गया, ये तो 15-20 फुट हाइट उड़ गया, फंसा गया उधर सर, और उसके बाद जो है वो यहीं पे लड़भड़ा गया, उसके बाद उठा के ले गए आगे, अब वहीं पे सर हो गया, वहाँ से फिर हॉस्पिटल ले गए सर, मैं हॉस्पिटल में ही डेथ हो गया। क्या नाम है आपका? अनवर आलम। जिसकी डेथ हुई उनका? फकरुद्दीन। क्या देखा था आपने, फिर क्या किया? सर वही देखे थे जो पकड़ एक साथ जुड़ गया ना, तो उसको फिर उठा के ले गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तो पहुंच नहीं सका, डेट कर गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सद्दाम। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। ये तमाम लोग, जितने लोग आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग बिहार के हैं, लगभग एक ही गांव के हैं। यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री की सभा में टेंट जो लग रहा था उसको लगाने के लिए, किसी बड़ी कंपनी ने काम लिया था, ये काम इन लोग को दिया था। लेकिन सभा तो बहुत बेहतर हुई, उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर ये हादसा हुआ उसके बारे में हमने चश्मदीदों से बात की, अब उनकी मौत हो गई है। मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक चीज और दिखाना चाहूंगा। दूर आपको एक एम्बुलेंस खड़ी दिखाई दे रही होगी, मैं आपको एम्बुलेंस के पास भी लेकर चलता हूँ। उनको उनके गांव ले जाने की तैयारी की जा रही है, यहां पर उनका सामान समेटा जा रहा है, बस थोड़ी ही देर में ये एम्बुलेंस उनको लेकर यहां से रवाना हो जाएगी। ठेकेदार साहब जरा सुनिए, ठेकेदार साहब, जैसा कि यहां पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी बॉडी को उनके गांव भेजने के लिए, यहाँ पर हमारे किस तरीके से आपने इंतजाम किया, किस तरीके से आप भेजने की तैयारी कर रहे हैं? एम्बुलेंस लेना। क्या आपने कुछ मदद भी की, आपकी कंपनी ने मदद? हाँ, हमारी कंपनी की तरफ से मदद आया, हमारे अकाउंट में पैसे आए, उनके अकाउंट में नहीं गया, हमारे अकाउंट में आया, हम उनके गवर्नमेंट पास। कितना पैसा दे? 3 लाख रुपए जाने के खर्चे। कौन सी कंपनी? RMB इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में फिलहाल अभी फौरी राहत के तौर पर 3 लाख रुपए देने की बात कही है। 3 लाख रुपए दे दिए, इनका कहना है कि 3 लाख रुपए हमने दे दिया फिलहाल फौरी राहत। क्या ये माना जाए कि भविष्य में कुछ और भी पैसे देने की बातचीत है? इनका साफ तौर से कहना है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मेहरुद्दीन का साफ तौर से कहना है ये अभी तात्कालिक राहत है, हम कोशिश करेंगे अपनी कंपनी से इनको और भी पैसे दिलाने की, इंश्योरेंस का भी पैसा मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से हादसा हुआ ये काफी दुखद है।
कर दिया।